नाता ही तोड़ दें, बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दें। कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी, जीने का सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी। हुसैन ने हमारी शादी से इनकार कर दिया। जब फैसला हो चुका है तो मुझसे क्या चाहते हैं आप? ये हमारी जिंदगी है और फैसला भी हम ही करेंगे। बेटी रानिया, आपका निकाह आलम वल्द हाकिम अली से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? जवान बच्चा है, कोई ऐसी वैसी हरकत कर बैठा तो सारा खानदान मुश्किल में आ जाएगा। मैं सुबह होते ही खुद शहर चला जाऊंगा। जब आपकी शादी की रस्में अदा हो रही थी उस वक्त मेरा और आलम का निकाह। हर बात को दिल में छुपा कर रखने से दिल पर बोझ बढ़ जाता है। बहुत से बोझ ऐसे होते हैं जो ना काबिले बर्दाश्त होने के बावजूद भी इंसान को खुद ही उठाने पड़ते हैं। चलो भाई, रस्में हो गई पूरी, चलो सब लोग खाने के लिए चले। खाना तो खा ही लेंगे, पहले ये बताओ तुम्हारी बहू जहेज में क्या क्या लाई है। क्या दिखाओ? मैं कुछ हो तो दिखाओ ना, बाप ने टरखा दिया। तुमने तो कहा था कि उसका बाप सरकारी अफसर है और सरकारी लोगों की तो बड़ी कमाई होती है, असल भी और ऊपर की भी। बस क्या किया जाए, हमारी तो तकदीर ही फूट गई। जल्दी में कंगलों में रिश्ता कर लिया। मुझे तो लगता है कि उन्होंने सब कुछ समेट कर अपनी दूसरी बेटी के लिए रख लिया होगा। अरे भी कुछ भी किया हो, अब ये रोना तो उम्र भर का है। छोड़ो इन बातों को, चलो चलें जी, आए खाना खाते। क्या वाकई आलम और रानी ने निकाह कर लिया है? यकीनन कर लिया है, यूं ही वो अपने वक्त तक गायब नहीं थी और शायद इसीलिए उसे शादी में अपनी मौजूद ना होने की वजह बताई। इस पर ना मुझे यकीन आया और ना ही लुमना को। गुलनार, गुलनार, गुलनार बेटा, गुलनार। अम्मी, अम्मी, अम्मी आके खोले, अम्मी, अम्मी आके खोले, अम्मी, अम्मी। अचानक खाला को क्या हो गया? मुझे तो लगता है माँ बेटी में जरूर कोई बात हुई है। कैसी बात? अरे आजकल लड़कियाँ इधर जवान होती हैं, उधर उन्हें अपनी मर्जी की शादी की पड़ जाती है और आजकल तो एवी शेवी लड़कियों के चक्कर चलते हैं और तुमने तो देखा है ये कितनी खूबसूरत है,
गली के हर कोने के नुक्कड़ पे दरवाजे के पीछे कोई ना कोई कहानी है, और ये भी तो इसी मोहल्ले की हुई, चाहे ये कहीं से आई हो। अब भौंक लगते क्या देर लगती है। फिक्र ना कर पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। जब तक मैं और मेरी बदकिस्मती का साया उनकी जिंदगी में, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं ना कहती थी कि अपनी मम्मी की हालत की जिम्मेदार ये खुद ही है। ठीक कहती है, कभी तुमने कोई गलत कहा है। हमें कैसे घूर रही है ना। मुझे लाइब्रेरी जाना है, बाद में। नई शादी का ये मतलब नहीं है कि तुम 10 बजे तक सोती रहो। सॉरी आंटी, मैं रात भर सो नहीं सकी, इसीलिए मेरी आंख किस बेशर्मी और ढिटाई से मेरी आंखों में आंखें डाल के ये कह रही हो कि तुम्हें रात भर सो नहीं सकी। ना तो तुम्हें शर्म है और ना ही लिहाज। आंटी कसम से मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारे मतलब से मुझे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन लो कि मुझे अपने घर में बहू बेटियों की आजादाना सोच भी नहीं पसंद और ना ही आजादाना गुफ्तगू। अगर तुमने इस घर में बसना है तो तुम्हें वैसा रहना पड़ेगा जैसा मैं चाहती हूँ। जी आंटी। और शाम का तुम्हारा वली मैं, 4 बजे चली जाना पार्लर मेकअप के लिए। शाह आपको जगा दो और जल्दी से नाश्ते की टेबल पे आ जाओ। कैसी है, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? अभी कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर साधिया अंदर मौजूद है, वही कुछ तफसील से बता सकती है। बहरहाल आप लोग दुआ करो। या अल्लाह, पहले मेरी अम्मी को कुछ भी ना, कुछ भी ना पता, परेशान ना हो, अल्लाह ताला तेरी दुआ जरूर सुनेगा। अगर छोटी छोटी बातों पे तुम्हारा ये रद्द अमल होगा तो हम जिंदगी का तवील सफर एक साथ कैसे गुजारेंगे? अगर आपको मेरा ये रवैया नागवार गुजर रहा है तो आप अपना रास्ता बदल सकते हैं। जो कुछ तुम चाहती थी वही तो हो गया ना, अब किस बात की शिकायत है? ये कैसा एहतजाज है? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, पर ना ही मैं कोई एहतजाज कर रही। तो फिर किस चीज से फरार हासिल करना चाहती हो? क्यों मुझसे इतना दूर भाग रही हो तुम? क्योंकि इस वक्त मैं किसी को फेस नहीं कर सकती, ना ही अपने घर वालों को, ना ही आपको और ना ही अपने आप को। रानिया, बात इतनी बड़ी नहीं है जिसके लिए तुम अपनी ये हालत बना लो। जिन लड़कियों के सर पे मां नहीं होती, उनके बाप उन्हें अपनी जिंदगी की पूंजी
और अपना गरूर समझते हैं और ऐसी लड़कियों के लिए अपनी खानदान वालों की इज्जत से खेलने की सोच ही उन्हें एहसास जुर्म में मुबतला कर देती है और ऐसी लड़कियां दूसरी लड़कियों से ज्यादा हसास होती लेकिन आप ये नहीं समझ सकते ये हसासियत नहीं बेवकूफी है हो सकता है और आखिर ये कब तक चलेगा मैं नहीं जानती रानिया आखिर तुम चाहती क्या हो इस एहसास जुर्म से निजात चाहती कि मैंने अपने घर वालों को धोखा दिया है झूठ बोला है मैंने रानिया अगर छोटी छोटी बातों पे तुम्हारा ये रद्द अमल होगा तो हम जिंदगी का तवील सफर एक साथ कैसे गुजारेंगे अगर आपको मेरा ये रवैया नागवार गुजर है तो आप अपना रास्ता बदल सकते हैं मैं गिला नहीं करूंगी You were saying. ना बाबा साईं फिक्र की कोई बात नहीं है आलम शहर में है नहीं बाबा साईं जैसा आप सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है मेरे आदमियों को ऐसी कोई खबर नहीं मिली बाकी आज मैं आलम के फ्लैट पर जाऊंगा तो पता चल जाएगा बाबा साईं वो कितना भी चला कि क्यों ना हो है तो मेरा छोटा भाई मेरे सामने तो उसकी चालाकी नहीं चलेगी ना पकड़ा जाएगा और जिसकी वजह से वो इतना फुदक रहा है उसका और उसके खानदान का जो हाल मैं बनाऊंगा वो उनकी सात पुश्तें भी हमारा नाम सुनकर कांपेंगी इबरत का निशान ना बनाया तो अपना बेटा ना कहना अल्लाह जवाब वाले अभी तक खफा है मुझसे ज्यादा मासूमती की जरूरत आखिर बात क्या है तुमने चुपके से आलम से निकाह किया है पूछती हो कि बात क्या है ऐसा किसने कहा आपसे उस दिन जो मैं कमरे में अचानक आई थी बात वही अधूरी की अधूरी रह गई बात अधूरी रह गई थी मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैंने आलम से निकाह नहीं किया मैंने आलम से निकाह करने का इरादा जरूर किया था लेकिन जब मौलवी साहब ने पूछा तो ऐन वक्त पे मैं हाँ नहीं कह सकी उस वक्त अब्बू की मोहब्बत आलम की मोहब्बत पर गालिब आ गई थी तो क्या तुमने निकाह नहीं किया नहीं नहीं आप तो फिर तुम इतनी घबराई घबराई से क्यों भले मैंने ऐसा नहीं किया लेकिन ऐसा करने का सोचा था अगर यही सोच अब्बू को पता चल जाती तो क्या सोचते मेरे बारे में मैं अपना एतबार सारी जिंदगी के लिए खो देती लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही आखिर इस बात की नौबत आई क्यों आलम तो अपने बाबा से तुम्हारी शादी की बात कर रहा था आलम के बाबा से यही इनकार कर दिया मेरी बीमारी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी फुलवा बता रही थी कि तुम्हें एक लम्हा भी सुकून नहीं मिला अम्मी आप मेरी जिंदगी का एहसास है और जिंदगी के एहसास को बचाने के लिए अपना सुकून आराम अगर कुर्बान करते हैं तो कोई महंगा सौदा तो नहीं फुलवा ये भी कह रही थी कि अस्पताल का बिल बहुत बन गया था घर में तो इतने पैसे नहीं थे फिर मैं कहां से दिए पैसे मेरा एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ क्या मतलब गैबी मदद अल्लाह की जफर भाई आए थे वो खुद तुम्हें पैसे दे के गए चुपके से आए थे और जमा करा के चले गए मुझसे तो मिले ही नहीं मैंने उनकी मर्जी से शादी जो नहीं की थी उससे नाराज है ना लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्हें मेरा ना सही लेकिन आपका तो एहसास है ना बेटा हम किसी गलत फहमी का तो शिकार नहीं हो रहे हैं
आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर उन्हें हमसे हमदर्दी होती तो आज हमें साल में ना होते? और फिर ये हमदर्दी करने का क्या मतलब? यही तो तुम्हें बता रही हूँ बेटा कि अगर वो हमारी मदद करते होते तो हम आज इस हाल में ना होते। अब कहाँ थे तुम? सुबह के निकले अब घर आते हो? मैं आपके हर सवाल के जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। आपकी हवेली नहीं है जहाँ पर भी सांस भी आपकी मर्जी से ली जाती है। क्या बात है बाबा, बड़े नाराज लगते हो तुम। उस दिन जो आप लोगों ने मेरे साथ किया, क्या उसके बाद मुझे नाराज भी नहीं होना चाहिए? हाँ, तुम नहीं समझते हो, तुम्हें गांव के मसले मसाइल का नहीं पता। सौ झमेले होते हैं जमीन के, जायदाद के, और फिर आगे अब इलेक्शन आने वाले हैं। किफायत शुभ सुमरों के मदद के बगैर हमें सीट नहीं मिल सकती। तो यूं कहिए ना कि मेरी आजादी और मेरे वजूद को गिरवी रखकर आप सीट हासिल करना चाहते हैं। एक तो तुम पढ़े लिखे लोगों के बड़े जंजाल होते हैं, इतनी सी बात पर इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें शुरू कर देते हो। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो आप जा सकते हैं, रोकूंगा नहीं आपको। आलम, तुझे क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रहा? बड़े भाई से कोई ऐसे बोलता है? देख पुट, इस वक्त तू हमारी बात मान ले, ये शादी कर ले, बाद में तू जो कहेगा हम करेंगे, और फिर हमारे खानदान में मर्द शादी करके या शादी के बगैर 10 औरतें रख ले, हमारी औरतें कभी एतराज नहीं करती। हाँ, जुल्म पर एहतजाज ना करने से जुल्म जायज नहीं हो जाता। तू उस एक के लिए खानदान की इज्जत को दांव पे लगाएगा? मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता, अगर यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख ले। मर्द हूं, अपनी जबान से नहीं फिरूंगा। तो तू बगावत का ऐलान करता है? यही समझ ले। रानिया, क्या हुआ? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आखिर हुआ क्या है? जब से आई हूँ यूं ही बैठी हो। मैंने यहाँ आज रात रुकने का प्रोग्राम इसलिए बनाया था कि ये जो तुम्हारे चेहरे की घड़ी पे 12 बजे का वक्त ठहर गया है ना, शायद वो आगे बढ़ सके, मगर जब से आई हूँ बुद्ध बनी बैठी हो। एक बात पूछूं? पूछो। आलम के घर वाले माने नहीं तो अब क्या करोगी? इसकी मंजिल क्या होगी? हर मोहब्बत की तकदीर में तकमील का सुख नहीं होता। शायद मेरे हिस्से में भी ऐसी मोहब्बत आई। ऐसा तो ना कहो। हम लोग इस बात पे गुरूर करते हैं कि हम इस सदी के लोग हैं, पिछली सदी के लोगों से बेहतर और बरतर इसलिए कि हम तो हम परस्त हैं। मगर जानती हो कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या? हम दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को देते हैं। हकीकत को झुठला के समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, सबके गलत फहमी में पनाह लेने से मसले हल नहीं होते और ना ही हकीकत बदलती है। तुम्हारे और आलम के रास्ते अलग हैं। इस हकीकत के साथ जी सकोगी? जीने की आरजू किसे? तो सिर्फ अपने हिस्से की सांसें पूरी कर रही, क्योंकि इन सांसों को रोकने का इख्तियार मेरे पास नहीं। हिसार-ए-इश्क, हिसार-ए-इश्क। तो
इतनी चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं अबू, एग्जाम्स है ना, इसीलिए थोड़ी सी टेंस। हैरत, एग्जाम्स की इतनी फिक्र है और ये याद नहीं कि आखिरी बार कॉलेज कब गई थी। वो तब तक अपनी रजामंदी नहीं देंगे जब तक आप अपने बाबा साईं को नहीं लाएंगे। रानिया देखो मेरी, अब हम आज के बाद ना मिले तो बेहतर होगा। ये सिर्फ पसंद की शादी का मामला नहीं है, ये दो खानदानों की इज्जत और जबान का मामला है। और तुझे क्या पता किफायत समरो आलम के साथ क्या कुछ कर सकता है? तो इसका मतलब ये कि ये सब कुछ मैंने किया? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो जाहिर है अगर तुमसे गलती नहीं हुई तो फिर अम्मी से हुई होगी। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दे। कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी, जीने का सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी।